नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार की ओर। बिहार पुलिस की महिला सिपाही बबली कुमारी की कहानी हर आदमी के लिए प्रेरणा और उम्मीद देने वाली है। बबली ने न केवल नौकरी करते हुए बल्कि एक बेटी, एक पत्नी और एक दूधमुही बच्ची को गोद में लेकर ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाते हुए उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास की और अब वे DSP बन चुकी हैं। मूल तौर पर बिहार के गया जिले की रहने वाली बबली कुमारी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष किया है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ी होने के कारण उन्हें एक अदद नौकरी जल्द से जल्द चाहिए थी। यही वजह थी कि उन्होंने सपने ऊँचे रखने के बावजूद 2015 में सिपाही की नौकरी शुरू की। बिहार पुलिस में सिपाही बनने के बाद उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाना शुरू किया, लेकिन अपने सपनों को मरने के लिए नहीं छोड़ा। बबली कुमारी की नौकरी होने के साथ साथ उनकी शादी भी हो गई। इस बीच उन्हें एक बच्ची भी हुई जो अभी गोद में खेलने की उम्र में ही है। इन सब के बीच बबली ने BPSC परीक्षा पास करने के लिए अपनी तैयारी जारी रखी और तीसरे प्रयास में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें अपने परिवार और पति का भरपूर सहयोग मिला। बबली का कहना है कि अगर आपकी बहू बेटी आगे पढ़ना और बढ़ना चाहती है तो उसका सहयोग करें। बेटे बेटी को भी चाहिए कि वे अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। उनका कहना है कि अगर मैं अपनी मेहनत से कामयाब हो सकती हूं तो हर आदमी को इस तरह से कामयाबी मिल सकती है। तो दोस्तों, बिहार की बबली कुमारी सभी नौजवान साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जब सभी नौजवान साथियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब बबली कुमारी DSP बन सकती हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। आप IT क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं। बस आपको एक प्रेरणा स्रोत चाहिए और उनकी प्रेरणा स्रोत की स्टोरी पढ़नी चाहिए कि उन्होंने संघर्ष कितना किया है। इस वीडियो को देखकर आपके मन में ज़रूर प्रश्न उठेंगे और हमें आपके प्रश्नों का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। आना चाहिए ख्याल कि हमें कुछ करना है। अपने घर वालों से अपना जो भी मन में था कि आगे कुछ करना है तो उसके लिए अपना विचार जाहिर किया और घर वाले बोले ठीक है, करना चाहती हो तो करो। वैसे नौकरी कोई भी बुरी नहीं होती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्यों ना करूं। तो घर वाले भी बताए कि ठीक है, जाओ तैयारी के लिए। मैंने ड्यूटी के साथ साथ रह रहे तैयारी PT के लिए की थी, लेकिन मेन्स मेरा नहीं क्लियर हो पा रहा था। साथ में रह करके ड्यूटी भी करना, पढ़ाई भी करना। तो उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए पटना चली गई। पटना में रह करके अपना मेन्स क्लियर किया। अनुभव कहा जाए तो वैसे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा अनुभव कहता है कि अगर कोई भी करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे तो वो जरूर कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। शुरू से कहिए तो कि शुरू से था, बट वो आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई थी। घर की जरूरतों को पूरा करना, घर की बड़ी बेटी होने का भी फर्ज निभाना था। तो मैंने पहले कोई भी नौकरी मिलना चाहिए था, उसी तौर पर सरकारी नौकरी के तहत कॉन्स्टेबल की नौकरी मिली तो वो मैंने की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।